बोलता हूँ जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना तो समझ लो आपका सपना छोटा है और जिस पे जमाना आंसता है इतिहास वही रचता है और इतिहास ना पागलों से कोई रचता है समझदार या बुद्धिजीवी तो बैठ के पढ़ते हैं इस दुनिया को उन्होंने बदला जिनको दुनिया किसी कुछ भी चीज़ करने के लायक नहीं समझती और मेरी माँ मुझे कहती थी एक बात हमेशा की बात कह के सुलाती थी और उठती थी कि तू पहलवान बनेगा चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीता है ट्रॉफी जीता है फर्स्ट आता है चैंपियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता है

क्या नहीं करना हमारा आज का ये एपिसोड आपको मोटिवेट तो करेगा ही लेकिन साथ में आपको ये भी बताएगा कि कैसे एक सॉलिड बिलीफ बनाया जाता है कैसे एक स्टेप बाय स्टेप खुद पे काम किया जाता है कैसे आप जो चाह सकते हो वो पा सकते हो एक कमजोर सा लड़का जो बचपन में चल भी नहीं सकता था वॉशरूम भी उसको उठाकर लेके जाते थे वो लड़का बचपन में सोचता है कि मुझे बड़े होकर ना रेस्लर बनना है और जब वो बड़ा हुआ सिर्फ इंडिया का ही नहीं

तब सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं थी तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका बचपन कैसा था और किस तरह के स्ट्रगल्स आपने फेस किए गुंजन जी वैसे अभी हम गुड़गांव में फ़िलहाल वैसे मेरा जन्म भी हरियाणा में हुआ था और काफ़ी अम्बल फैमिली में जब मैं तीन साढ़े तीन साल का था आई थिंक तो पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया तो दर्द स्टार्ट हुआ पहले वो धीरे धीरे टो तो तक आया फिर वो घुटने तक आया तो गांव में सब बोलते कि पेट में कीड़े हो गए हैं यहाँ दिखा लो वहाँ दिखा लो कभी इस डॉक्टर के जाएँ कभी उस डॉक्टर के जाएँ फिर वो दर्द इतना फैल गया कि सारे जवेंट में आ गया एक टाइम ऐसा था कि मैं अपने हाथ से एक गिलास पानी नहीं पी सकता था अच्छा। जैसे मैं लेट जाता और आँखें खोल लेता था मगर उठने के लिए जब धूप निकलती ना तब तब जाके बॉडी में थोड़ा मूवमेंट होता था सर्दियों में तो बहुत मुश्किल था जैसे जो भी सीजन चल रहा है तो <laughs> फिर घर वालों ने थोड़े पैसे इकट्ठे किए सारा सब वो किया तो एक अच्छे अस्पताल में लेके गए हॉस्पिटल में दिल्ली तो आपके इस वक्त उस, उस वक्त था मैं सात साढ़े सात साल का अच्छा तो इधर दिखाया उधर दिखाया सब एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे और मैं काफ़ी अम्बल फैमिली से था तो मेरी माता जी मुझे गोद में उठा के लेके जाते थे उनके पास पैसे नहीं होते थे okay. दो किलोमीटर तीन किलोमीटर जब मैं दस ग्यारह साल का था तब तक mm -hmm. तो वो डॉक्टर ने बोला कि हालाँकि मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा डॉक्टर ने बोला कि ये बीमारी ठीक नहीं होती इस बच्चे को बाहर बैठा दो नाइन्टी क्योंकि वो रोमेटिक अर्थराइटिस था उसका लास्ट स्टेज ओके okay. तो नाइन्टी ये बीमारी डेस्थ के साथ जाती है और मुश्किल से ये छः महीने जिंदा रहेगा Okay. तो इसके ऊपर आप इतनी मेहनत मत करो मेरी माँ ने हार नहीं मानी वो दिन में है ना मुझे दस बार मसाज करती थी कभी तिल के तेल से कभी मस्टर्ड ऑयल से कभी देसी घी से कभी आयुर्वेदिक ऑयल से okay. और मैंने भी हार नहीं मानी जैसा हम सोचते हैं बन जाते तो मुझे आज भी याद है कि मैंने गाँव में मिट्टी कुश्ती देखी ऐसे दंगल देखा hmm. पहलवानों को थोड़ा दूध मिल रहा घी मिल रहा थोड़े पैसे मिल रहे तो मैं दोस्तों को बुला लेके चलो क्योंकि इतने इतने पैसे उतने थे कि व्हील ये सब अफोर्ड करें एक चारपाई पे रहता था अपने चेयर कोल के लिए भी जब मतलब बाहर ही जाते थे नॉर्मल उसके सारे या आप लकड़ी के सारे चलते थे या फिर धूप निकल जाए तो थोड़ा थोड़ा ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के आप चलते थे तो मैंने वहाँ कुश्ती देखी मैंने सोचा कहा शहर में ही पहलवान होता क्योंकि क्या था कि उस टाइम क्रिकेट का बैट आता था तीस चालीस रुपये का ये बैडमिंटन टेनिस या तो खेल होते नहीं थे लंगू उठाता था पाँच रुपये का सात रुपये का कभी माँ ने सील दिया कभी बहन ने सिल दिया और एक पहलवान की रेसलर की जितनी इज्जत है ना इधर तो थोड़ी मतलब ज़्यादा है बाकी के मुकाबले तो मैंने सोचा काश यार मैं पहलवान होता और उस दिन उस दंगल में झगड़ा हो गया किसी का मतलब कुश्ती हो रही थी उनको दूध मिल रहा घी मिल रहा पैसे मिल रहे तो मैं सोच रहा था काश यार मैं भी होता फिर कोई मुझे ले आया एक उठा के और मुझे पूरे रास्ते सुनाते आया कि टांग है नहीं रेस में नाम लिखा रहे हो अपने घर पे रहो कहाँ कहाँ कुश्ती देखने आ गए यार कहाँ ये सब वो सब और आपको है ना इस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वो मारते हैं जो कहते हैं ना हम देफ हो आपके रिश्तेदार जो आपके जो खास बनने का वो करते हैं वो बोलते थे भैया दो दो भाई हम एक मेरे बड़े भाई साहब हैं कि भैया घर में ये तो ऐसे ही है ये तो मतलब लड़का ऐसे ही हो गया जिसको बोलते हैं ना हम फिज़िकल डिसेबल हो गया या अपाइज बोल देते हैं या बाकी चीज़ बोलते हैं कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बताता हूँ आपको तो वो करना स्टार्ट किया फिर मैंने गिलास पानी का उठाना स्टार्ट किया, किया एक फिर डिब्बा उठाना स्टार्ट किया एक बाल्टी उठाना स्टार्ट किया जो इंसान फिज़िकल थोड़ा सा भी वीक होता है डिसेबल होता है ना उसको आम इंसान के मुकाबले तीन गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मुझे आज भी याद है कि मैं अखाड़े के उधर कभी पहुंच जाता दोस्तों के बोलता लेके चलो तो मैं पीछे से देखता था वो क्या कर रहे हैं सब मिट्टी में कैसे वो कर रहे हैं एक ने एक बार मुझे पुश कर दिया तो फ्रैक्चर हो गया शोल्डर में मतलब कमज़ोर बहुत था फिर धीरे धीरे फिर मुझे एक एक, एक लेडी मिली उसने मुझे बोला कि मेरे बेटे को सेम प्रॉब्लम थी तो आप उनसे मिलो डॉक्टर से मिलो दूसरे से मिलो एक डॉक्टर होते थे डॉक्टर यादव यहाँ पे तो उसने दवाई दी दवाई दी तो ऐसा लगता कि वह थोड़ा सा ठीक हो गया मगर फिर वैसा ही हो जाता तो फिर ये हार्ड कोर नेचुरल पद्धति से योगा से प्राणायाम से नेचुरोपैथी से मेरी माँ की मेहनत से और मेरे सेल्फ बिलीफ से मैं ठीक हुआ और मैं कह रहा हूँ कि ना ठीक हुआ एक टाइम में ऐसा था कि मैं एक कदम चलता था ना थक जाता था खड़ा नहीं हो सकता था बहुत कमज़ोर था फिर आज मेरा स्टेमिना मेरी ये चीज़ जो मेरी ताकत है अब अब मैं फिर से रेसलिंग में वापसी कर रहा हूँ कई साल बाद तो मैं ढेर सारे बच्चों से मिलता हूँ जो बीस साल के तीस साल के हैं वो कहते हैं जी इंजरी हो गई और हमने तो ये कर लिया और वो कर लिया और ये कर दिया उम्र और ये सारी चीज़ें ना एक नंबर है मेरा ये मानना है कि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है ना तो फिर आलोचना विवेचना प्रशंसा कोई महत्व ही नहीं रखता उसका अगर लक्ष्य सही है ना तो फिर किसी चीज़ का महत्व नहीं रहता और मैं तो ये बात हमेशा बोलता हूँ जब तक तो दुनिया वाले आपके सपने पर हंस नहीं रहे ना तो समझ लो आपका सपना छोटा है और जिस पे जमाना आसता है इतिहास वही रचता है और इतिहास ना पागलों में से कोई रचता है समझदार या बुद्धिजीवी तो बैठ के पढ़ते हैं क्योंकि वो तो ढेर सारी नुक्स निकालते हैं और इस दुनिया को उन्हें पता किसने बदला है इस दुनिया को उन्होंने बदला जिनको दुनिया किसी कुछ भी चीज़ करने के लायक नहीं समझती जैसे आपने बताया कि उस टाइम पे एक डिसेबिलिटी वाली चीज़ गांव में सब देख रहे थे उसको एक बच्चा जो कि सात आठ साल का है उसको कहा जा रहा है तो कहाँ अखाड़े की बात कर रहा है कुश्ती की बात कर रहा है वो रिजेक्शन उसको मिल रही हैं उस टाइम पे उस बच्चे का ये ट्रांजिशन कैसे हुआ कि मुझे ये करना है क्योंकि बीस पच्चीस में तो फिर समझ आ सकता है किताब पढ़ ली किसी को सुन लिया लेकिन उस टाइम पे जब से दे रहे तब आपने सोचा कि नहीं मुझे तो कुश्ती में जाना है बनना है वो थॉट मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो किसी ना किसी ना चीज़ से लड़ रहे हैं उनको भी रिजेक्शन मिल रही है तो आपकी जर्नी से उनको गाइडेंस मिलेगी ये कहते ना अगर आपका लक्ष्य सही है ना तो आपको आस की छोटी चीजें दिखाई नहीं देंगी हो क्या रहा है डिफिकल्टी चलती रही कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे आसपास का वो दिख रहा था कि भाई मेरा खुद का बड़ा भाई था वो बड़े भाई साहब वो, रे, वो रेसलिंग करते थे जिनको मैं जानता था वो रेसलिंग करते थे दंगल होता था मुझे वो दूध दिख रहा था घी दिख रहा था वो थोड़े पैसे दिख रहे थे क्योंकि मैं उस फैमिली से आया हूँ कि पैरों में जूते नहीं होते थे बस का किराया नहीं होता था बीस तीस किलोमीटर पैदल चलते थे जब ठीक होने के बाद भी जैसे सर्दी है तो सेंडोबनियान रहते थे जैसे जब अनाज निकलता था तब एक जोड़ी वो वो शूज़ नहीं होते थे वो टेनिस वाले आते थे वो सफ़ेद या खाकी कलर के आते थे तो वो सब मिलते थे तो सराउंडिंग वो सराउंडिंग माहौल ऐसा था कि मैं उस चीज के लिए पागल था मुझे कुछ दिखता नहीं था मैं सपने लेता था ना सोता था आंखें बंद होती थी मैं सोचता था कि मैं पहलवान बन गया और मेरी माँ मुझे कहती थी एक बात हमेशा की बात कह के सुलाती थी और उठती थी कि तू तो पहलवान बनेगा तो क्या तो बड़ा है? बनेगा तो फिर जब वो सारी चीज देखी ना देखो इस दुनिया में पता क्या है अगर इंसान कोई बनाएगा ना तो बिगाड़ेगा या तो उसको बनाने दो या बिगाड़ने दो अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ हम हिटलर को दोष देते हैं मगर हिटलर को दोष नहीं था क्योंकि उसके माता हिटलर पेंटर बनना चाहता था आर्टिस्ट उसके माता पिता ने वो करने नहीं दिया तो करने नहीं दिया तो जो कुछ तो काम करेगा ना वो और डिफरेंट उसका व्यू घूम गया मैंने कोशिश की मैं फेल हुआ फिर कोशिश की फिर से फेल हुआ फिर से कोशिश की फिर फेल हुआ मगर बेहतर फेल हुआ वो जो उसका फेल का जो था ना वो परसेंटेज इतना था फिर कोशिश की फिर पास हुआ मगर मैं पास हुआ ना तब मैं इतना खुश नहीं था जो वो प्रोसेस था ना आज तक तो कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है अब किसी का भी इंटरव्यू पढ़ लो सबको पता क्या गया कि आपने कहाँ किया जो जर्नी को बहुत इंजॉय किया बल्कि वो जर्नी ऐसी है जहाँ पे आप ना टॉयलेट कर सकते ढंग से ना खा सकते ना और कुछ हो सकता मगर प्रोसेस इंजॉय उसी का है तो ज़िंदगी में जब भी टफ़ टाइम आ रहा है ना कुछ चीज़ें आ रही तो समझ लो भैया ये आपकी गाड़ी घूम रही है चेंज हो रही है और वो चेंज होने के लिए वो होना पड़ता है इसीलिए ज़िंदगी में जो रिजेक्शन है जो असफलता है वो झेलनी चाहिए एक सोना जब खान से निकलता है ना बहुत ख़राब सा होता है जब वो तपता है ना भट्टी में और उसको जब जो सुनार उसको करता है तब जाके वो चेन अंगूठी सारी चीज़ बनती है तो तक जलेगा नहीं पता चलेगा नहीं तो जलना जरूरी है बिल्कुल जरूरी है ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जो भी जर्नी पे पहुंचता है जैसे आपने माउंट एवरेस्ट की एग्जांपल दी कि वहाँ पहुंचना एक मोमेंट है लेकिन उसके पीछे जो हज़ारों मूवमेंट्स हैं वही हमें बना रही हैं वो विक्ट्री को तो वही बना रही है ना विक्ट्री के पीछे की जर्नी है तो वो हर मोमेंट जब हम सीख रहे हैं जब हार नहीं मान रहे जब अपने पे काम कर रहे हैं जब लड़ रहे हैं उसको ही बंदा याद करेगा क्योंकि बनाया उसने सेलिब्रेशन तो एक मोमेंट की है आई थिंक स्पोर्ट्स में भी यही होता है कि जब मेडल मिलता है वो एक मोमेंट है लेकिन उस मेडल के पीछे कितनी रातें हैं कितनी इमोशंस हैं मैं सबको ही बताना चाहता हूँ कि कोई भी किसी फील्ड से स्पोर्ट्स से है चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीता है ट्रॉफी जीता है फर्स्ट आता है चैंपियन वो होता जो लगातार कोशिश करता है hmm. चाहे आप स्पोर्ट्स में हो चाहे आप ट्रेनिंग में हो आप स्टडी में हो आप फिल्म में हो आप किसी में भी हो कोशिश करो प्रोसेस करो hmm. और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि किसने बोला जी सक्सेस क्या है हैप्पीनेस इज़ द हाइस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस जो खुश हो वामयाब है हर ताज सिर के लिए होता है मगर हर सिर ताज के लिए नहीं होता उसको बनाना पड़ता है मेहनत से मशक्क़त से संग्राम जी कोशिश तो बहुत लोग करते हैं जैसे आपने अपने टाइम में पूरी कोशिश करी आपने बताया कि आपका लक्ष्य बहुत क्लियर था आपने पूरी तरह अपने दिमाग से काम लिया आपने और लोगों की नहीं सुनी तो ऐसे तो और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इतने मोटिवेटेड होते हैं आई एम श्योर जब आप अखाड़े के लिए जाते थे तब वहाँ पर और भी बच्चे होते होंगे जिनका मन करता होगा ऐसे बनने का बड़ा बनने का कल को जीतने का पर सब तो ये सब नहीं अचीव कर पाते तो किस चीज़ की कमी रह जाती है आपको एक ट्यूब लगाना है सो फिट पानी है तो अगर आप एक एक फिट के सौ गड्ढे खोद दोगे पानी निकलेगा पानी तब निकलेगा जब आप सौ फिट का गड्ढा एक जगह खोदोगे तो अगर आप समर्पण कर दोगे ना बिल्कुल समर्पण कर दोगे आपकी नीयत से ही आप डेडिकेट हो मैं कह रहा हूँ लिखवा के ले लो हार्ड वर्क के आगे सफलता जोड़ी खड़ी हो जाती है जहाँ से आप आए हो जो आपके रूट्स है वहाँ पे अब कैसा लोगों को फील होता है उनको बहुत गर्व फील होता होगा गांव वाले लोगों का कैसा रिस्पांस रहता है देख के कि हमारे गांव से कोई निकल कर इतनी आगे गया है देखिए मैं तो आज भी जीरो पे हूँ मगर मैं गांव में जाता हूँ अब आजकल के बच्चे हैं आजकल गांव चेंज हो गया है पहले मैं जाता था तो हर घर में दूध पीना पड़ता था <laughs> अगर पीता ना बुरा मानते थे तो मैं चाहे भले ही वोमटिंग करूँ मगर दूध ज़रूर पीना पड़ता था उनके उसमें जाके आजकल रेयर हो गया है तो आजकल बच्चे मखाड़े में जाता हूँ तो ढेर सारे आ जाते वो सेल्फ़ी रील ये करने वाले मैं उनको बोलता हूँ एक्सरसाइज करो मगर जो पुराने हैं ना अब मैं सोचता हूँ कि उनको तो अच्छा लगता है मगर आप याद रखो आप अपनों के लिए आप उनके सामने कभी बड़े हो ही नहीं सकते वो तो आपको वही गोचू समझेंगे वही समझेंगे जो घूमता था वही है उसी का मज़ा है उसी का मज़ा भी उसी का है मैं गाँव में जाता हूँ ना तो मैं सेम कुर्ता जमा पहनता हूँ और एक साइकिल पहनता हूँ शायद जो वो वो हमारे फादर साहब वो दहेज में मिलते हो उस टाइम पे उस सीधी मैं उसी से जाता हूँ मेरे से जो मिलने आते हैं जो ढेर सारे जैसे लड़के लड़कियाँ सिंगर हैं कोई दूसरा हो तीसरा हो गाड़ी लेकर आते हैं कोई बाउंसर वाउंसर ये सब ले आते हैं और मैं ऐसा इंसान हूँ कि मतलब सिंपल सा मतलब कहीं भी चला जाता हूँ पहुँच जाता हूँ ऐसे ही अब जहाँ भी मैं मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कोई भी चीज़ होगी ना कोई उसमें कुछ देखेगा कोई कुछ देखेगा मैं उसमें देखूंगी कि इसके सकारात्मक तो पॉइंट क्या है ये पॉजिटिविटी क्या है कि इसमें से क्या चीज मैं ले सकता हूँ एक आ रहा था वो सारे मेरे दोस्त कर रहे यार वो बहुत पकाता है यार यार वो पागल है यार कुछ भी बोलता है मैं देखता था वो पागल छोड़ दो जुनूनी है वो जो एक चीज सोचता ना उस पेट अड़िंग रहता है तो मैंने कितना कमाल का आदमी है यार तो कोई भी कोई कोई हमें वो समझे ना कोई गलत नहीं है सब अलग हैं ऐसी नेचर के पीछे ना कुछ एक्शंस होते हैं जैसे कोई पॉजिटिव इतना हो तो उसने अपने ऊपर कोई तरीके से काम किया होता है ये किताबें हो सकती है ये बातें हो सकती है क्योंकि हमारा स्कूलिंग या हमारे आसपास माहौल तकरीबन ऐसा नहीं है कि कोई पॉजिटिव बने लोग नेगेटिव ज़्यादा होते हैं तो आपने इस पर काम कैसे किया ये सोच डिवेलप कैसे करी कि अब आपको जब कि, सब किसी की बुराई कर रहे हैं तो आप उसका जुनून देख पा रहे हो ये नज़रिया कैसे बिल्ड किया आपने

एक में कितना पानी होता बाल्टी डाल दो बाल्टी खड़ी रहेगी तो बाल्टी भरेगी नहीं बाल्टी को झुकना पड़ता है पहले मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि मुझे नहीं होता था एक बच्चे से स्टार्ट किया ऐसे आ, एक बच्ची थी वो चप्पल नहीं थे वो स्कूल में जा रही थी मैंने कहा इन दिनों चप्पल नहीं गर्मी का महीना था बोले इसके माता पिता जी एक्सीडेंट हो गया था मैंने कहा हो तो तब से ऐसे जरिया बनना स्टार्ट किया करता था परमात्मा मैं तो एक पोस्ट मैं चिट्ठी इधर से उधर कर देता हूँ अब एक सौ पैंसठ बच्चे फैमिली हो गई है कई मेरे गाँव से भी हैं दूसरे भी जिनका एजुकेशन का, का यूनिफॉर्म काम जरिया बन जाता हूँ और मैं किसी को बोलता नहीं कि भाई ये कर दो कर दो कोई बोलता है तो वहाँ कर दो कैसे एक रेसलर से एक्टर वाला सफ़र शुरू किया क्या कि किस रीज़न से आप एक्टिंग की तरफ गए कैसे इंटरेस्ट आया क्या होता था जब मैं रेसलिंग करता था ना पैसे नहीं होते थे उस टाइम पे इतना और मैं बहुत पागल था एक बार मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गया हमारे कोच ने बोला था कि भाई ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए बड़ी अच्छी बात है एक रशियन रेसलर बैठा हुआ तीन उसकी बीबियाँ छः सात बच्चे घूम रहे मैंने कहा इस गंजे को तो उठा के मारूँगा मैं <laughs> उसके बाल बाल उड़े हुए थे तो वैसे ही वो उसके साथ मेरी बाह उठा गई ये बात है हंगरी बूढ़ापेस की दो की सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की तो उसने मुझे उठा के पता नहीं किस तरह मारा मेरा शोल्डर बिल्कुल ऐसे हो गया कि जैसे टूट गया नाक की हड्डी थोड़ी हो गई तो मैं हैरान था बैठ के फिर मैंने आके बोला कोच से कोच साहब आप तो कह रहे थे ब्रह्मचार्य है जो नौ बच्चे थे उसके और तीन बीविया थी और देखो वो तो फर्स्ट आ गया वहां पे तो उसने बोला कि ब्रह्मचार्य पहली स्टेप है कि आप रहोगे आपका माइंड यहां रहेगा हमारे अनुसार दूसरा क्या है कि हौसला जीतता हथियार नहीं आपको किस चीज के लिए अभ्यास करना पड़ता है तो मुझे पता चला कि रशिया में वर्ल्ड के बड़े रेसलर हैं तो अब मैं जुनूनी था पागल था एक बाइक होती थी वो बेच दी आपसे पैसे ले लिए इससे पैसे ले लिए एक दोस्त को बोला भेज दो आ, इन्विटेशन वो वहाँ स्विट्जरलैंड में था वो वहाँ से रेसलिंग करता था वहाँ आया हुआ था और सिर्फ एक शब्द बोलना आता था इंडिया दूसरा शब्द नहीं आता ना इंग्लिश का ना हिंदी का हरियाणी भाषा बोलते थे तो मैं जो तो करके वहाँ पहुँच गया ट्रेनिंग करने यहाँ पर मैं नाइन्टी सिक्स में इंडिया रिप्रजेंट कर रहा हूँ वहाँ पर देखता हूँ कि सेवेंटी फोर के का जूनियर का स्टेट का बच्चा मुझे उठा उठा के मार रहा है तो मैंने कहा डिफरेंस तो बहुत है गिरको उस स्टाइल में खेलता था उस टाइम पे तो फिर कोई मैच होते थे ऐसे मिट्टी में <laughs> 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 आ, कई देशों में जैसे इंडिया वर्ष पाकिस्तान बाकी का होता था हारने वाले को चालीस हज़ार मिल गया जीतने वाले को पचास हज़ार मिलता था आगे कुश्तियाँ हो जाती थी तो मैंने सोचा यार चलो चालीस पचास हज़ार तो मिल जाएंगे ये कर लेते हैं वो लड़ने चला गया वो लड़ने चला गया वो फ्रैक्चर हो गया यहाँ पे इंजरी हो गई क्योंकि वो अखाड़ा उन्होंने मिट्टी का एक पोल ओल बना रखे थे वो लग गया अब एम एच ओर रेस्टिंग में बोलता कि एक मिनट तक ब्लीडिंग आपकी हो तो उसके बाद आप ये कर नहीं सकते और मैं तैयारी वहाँ से मज़बूत स्ट्रोंग हो गया था तीन चार महीने रहा वहाँ पर तो फिर उनके फ़ोन आने लग गए सबके भैया पैसे कब दे रहे हो हु? पैसे कब दे रहे हो फिर एक बार मैं सुशील योगेश्वर Uh, मैं दिल्ली पुलिस में जाता था दिल्ली पुलिस अखाड़े से जाता था वो दोनों स्टेडियम में रहते थे तो हम वही करते थे कोई रेसलिंग में शो बनाने वाले थे वह गए अखाड़े में तो चले गए फिर दिल्ली पुलिस अखाड़े में आ गए तो कई पहलवान बोले कि भाई हम वहाँ चलेंगे तो हम उनसे मज़ाक कर रहे यार डब्ल्यू डब्ल्यू बनाओगे यार ये बनाओगे वो बनाओगे बनाओ तुम कहाँ की रेसलिंग करवाओगे सब ऐसे मजाक कर रहे तो उस टाइम पर और तो पहुँचे नहीं वहाँ पर नोएडाउन का होता मैं पहुँच गया मैंने देखा यार इतने बड़े बड़े रेस्लर हैं इतना सब कुछ है तो उन्होंने को दिया तो मैं बाकी रेसलर में थोड़ा सा बातचीत करने में थोड़ा सा ठीक था उनसे तो उन्होंने मुझे उस शो का हीरो बना रहा एक एंडामोल कंपनी होती थी वो मुझे अखाड़े से यहाँ से वो ले गए थे तो तब सैलरी होती थी छः सात आठ हज़ार रुपये तो एक बोला भैया सैलरी पच्चीस हज़ार बोला हम तीस हज़ार देंगे महीने के मुझे पता नहीं तब मैं सोचा चलो भैया तीस हज़ार देंगे पैसे के लिए चल पड़ते हैं तो पैसे के लिए वो मुंबई लेके गए फिर साउथ अफ्रीका लेके गए ट्रेनिंग करवाया मैं उस टीम थकता नहीं था फिर देखा कि फटे यार गिरना ये भी मुश्किल काम है 2012 में उन्होंने मुझे वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल सब निकल गया मैं वहाँ से तो मेरे पीछे सारे टी वाले सब भागने लग गए मुझे तब तो, तो पता नहीं था तब तो मैंने एक दो शो किए थे एक सर्वाइवर किया था एक दो शो किया था फिर मैंने घर ख़रीदा उधर वो बोले बिग बॉस एक शो है ऐसे ऐसे आ जाओ मैंने बिग बॉस ना कभी पहले देखा अपना ही नहीं देखा ना अपना बाद में देखा तो आप कदम रख दो आपको चालीस लाख रुपए दे देंगे मतलब खाली एक दिन एक दिन भी अगर आप रह गए तो मैंने कहा ठीक है क्योंकि सर्वाइवर शो बहुत टफ़ शो था उसमें मतलब दो जोड़ी कपड़े वो एक्चुअली मतलब जैसे मैं बाहर कहीं जाता हूँ ना मुझे पता चलता सर्वाइवर किया तो फ्रंट पे छापते हैं क्योंकि वो सर्वाइवर बड़ी सीरीज है फिर तो मैं बिग बॉस में ऐसे गया तो सलमान खान साहब तो सुल्तान करने वाले थे तैयारी चल रही थी तो उनकी मेरी थोड़ी सी नॉमली रहती थी थोड़ी मतलब मस्ती या नमली तुम पहुँचा और मैं उस टाइम मुझे कोई इतनी समझ थी नहीं जैसे कपड़े उपड़े खरीदते हैं ना तो कपड़ों के आज तो आज भी आज भी सिंपल ही पहनता हूँ जो डिज़ाइनर के पहले दूसरी बात है तो हम अखाड़े के बाहर ढेरिया लगती थी जैसे निक्कर बनियान ये सारी चीज़ें तो तीस चालीस रुपये निक्कर खरीद ली बीस रुपये टी शर्ट खरीद ली तो ऐसे कपड़े मतलब ऐसे ही पहनते थे तो वो वहाँ जाके मुझे पता चला कि वो सारे जो दूसरे थे उनकी एक तो भाषा कम समझ में आती थी इंग्लिश उस टाइम बहुत कमज़ोर थी कमज़ोर तो आज भी मगर आज थोड़ा सा रूटीन में तो उन्होंने पूछा कि भाई आप किस लिए आए किस लिए सब का बद पूछ रहे थे ऐसे एक ने बताया कि उसके इतने विल्ला हैं इतना चल रहा है एक ने बताया वो इतनी फिल्में करने वाला था ये सारी चीज़ें अब मैं सोचा यार या ये सारे बड़े बड़े आदमी क्यों परेशान हैं मैंने कहा जी मैं घर खरीदा था ऐसे ये बोले इतने पैसे दे, दे देंगे तो मैं ऐसे आ गया तो मुझे पता नहीं तो वो सारे हंसते तो मुझे पता चला कि दो लाख रुपया शर्ट भी आता वो वहाँ से <laughs> पता चला कि चश्मे भी होते तीस चालीस हज़ार रुपये के इतने सब कुछ के सारे वहाँ पे वो झगड़ा करते कैमरा के लिए रोमांस करते या बाकी चीज़ें करते मैं नॉर्मल रहता था मैं काउंट करता था कि भाई एक सप्ताह पाँच लाख रुपये मिलते थे उस टाइम चलो पाँच लाख हो गया दस मैं देखता था रात को फिर वो जाते नहीं देखिए गर्मटेड है तो वो बोलते थे कि बाथरूम जाना है संग्राम भाई उठो ना कहा दिन में तुम यार रहने देते रात को तुम सोने देते तब उस टाइम एक शो की थोड़ी डिग्निटी थी मतलब जो मेरे टाइम पे एक अरमान जी थे अरमान कोहली हाँ, हाँ, <laughs> तो आ, एजाज था गोहर थी एल्ली एंडी कुशाल तो मतलब एक एक हाँ, शिल्पा आप एक युवराज सिंह की वाइफ भी थे, वो थी बहुत स्वीट थे एजल तो रतन तो ये एक लोट था <laughs> तो अर मैं उन मे जी को जानता क्योंकि ररमान जी की मैंने नाग वाली फिल्म देखी थी एक <laughs> ना फिल्में कम देखी थी एक शिल्पा के साथ मैंने सवागर किया था तो मैं हरमान जी बोला पा यार एक दिनों बुरा एक कर रहा था मैं पहुंच गया मैंने पा जी यार मैंने तो आपकी एक नाग वाली फिल्म देखी थी आप सच्ची के नाग हो यार <laughs> <सम्दें> ना? <laughs> <laughs> तो मतलब जो था नौमरी तो वो पब्लिक को इतना आ गया कि उसका हम फाइनलिस्ट बनाओ शो का और वो ऐसे टी वाले तो ऐसे मारथी होते थे पूरा दिन ना पूरा दिन ये, ये, ये बटन पे लगा देंगे और आपका क्लोजअप होता था ठीक है मतलब पूरा दिन वो बटन ठीक करने पे लगा देते थे कि बाजू का बटन खराब है जी ख़राब और क्लोजअप पर शॉर्ट होता था, चारा। था।, चारा। था। तो था। <laughs> मतलब मैं वो सीख नहीं पा रहा था कि एक्टिंग क्या मैं तो देखो जो काम मुझे बहुत मिलता था हर रोज कि भाई इंसान ठीक है कि ये शो में आ जाओ उस शो में आ जाओ इसमें आ जाओ उसमें आ जाओ मैं सारे शो कर रहा था मैंने इंडिया के तकरीबन सारे रियलिटी शो किए ये डाइन विद वेलकम करो दूसरा करो तीसरा करो ये सब करो आपने वर्ल्ड लेवल पे फिटनेस करा है खेला है जीते भी हो तो नेशनल लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे जो फिटनेस की रिक्वायरमेंट होती है उसमें मेन क्या फ़र्क है देखो आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए या एक अपना आइडल फिटनेस के लिए तीन चीज़ों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है डाइट प्रैक्टिस रेस्ट अभी हमारे पास कमी पता क्या है कि हमारे पास फैसिलिटी सब कुछ है सारी चीज़ हो गई है और हम सही रास्ते पे भी हैं किसी देश की ताकत देखने दो चीज उसकी देखो उसकी सेना और उसका स्पोर्ट्स और फिलहाल हमारा देश दोनों में अगर नहीं है सेम फैसिलिटी चलती रही ना तो आप मेरे से लिखवा के ले जाओ दो में जो भी बच्चे दस बारह साल के हैं ना हम टू ओलंपिक में टॉप टेन में होंगे क्या बात है और अभी है ना अभी अभी जो मेन जो हमारे पास जो कंसर्न है ना वो अच्छे साइकोलॉजिस्ट नहीं है आपको टॉप फिटनेस या टॉप स्पोर्ट्स या किसी भी चीज में पहुंचने के लिए अच्छे साइकोलॉजिस्ट चाहिए साइकोलॉजिस्ट वो नहीं जो हार्ड डॉक्टर भी नहीं हो हार्ड स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं हो हार्ड वो इंसान हो जो जो मेचोर हो समझदार हो मेंटल स्ट्रेंथ पे काम मेंटल कामटल्थ पे और इसमें भी स्पोर्ट्स में वही है कि अगर अच्छे और मेंटर आएँ और उन बच्चों को सेल्फलेस होकर आगे करेंगे तो हमारे यहाँ पर की कमी नहीं है ना टैलेंट की कमी है बस बशरत ये है कि अब नाइन्टी परसेंट काम तो हो गया है अब टेन परसेंट काम बाकी है जो ग्रास रूट पे और जाके उनको लेके आना क्योंकि देखो बढ़ते हुए को सब बढ़ते हैं खाली कम ही बढ़ते हैं कई टैलेंट तो ऐसा है जो गांव में एक बेसिक जगह पहुंचने से पहले दम तोड़ देता है जब मेरा जब टाइम था मैचोर का मैं ही पागल था कोई समझाने वाला नहीं था मैंने बहुत गलतियाँ की हैं तो इसलिए मैं अभी आजकल के बच्चों को समझाता हूँ कि भैया मौका है ये टाइम है ये टाइम निकल गया ना फिर आएगा नहीं हाथ से फिर ये पैंतालीस पचास साल में जाओगे ना तब अनुभव करोगे अब भले ही वो हमें गलत समझेंगे मगर बाद में कहेंगे कि हम ठीक थे हम उनको सही गाइड कर रहे थे और भगत का और जगत का हमेशा बैर होता है <laughs> <laughs> आप अच्छी चीजें करोगे ना तो लोग आपके पप पीछे पड़ जाएंगे चाहे वो मह ऋषिद आंद को देख लो जहर दे के मारा भगत सिंह साहब को देख लो जब भगत सिंह साहब असेंबली बम फेंका जेल में थे उनको सब आतंकवादी बोलते थे जो देश के बड़े बड़े आदमी जो बाद में देश आज़ाद हुआ अपने देश में बड़े पदों थे वो आतंकवादी बोलते थे इवन जब उनको फांसी रही थी तो कोई आदमी उन्होंने साइन भी नहीं किए तब भी बोलते थे टाइम देखो कितना बड़ा घूमता है भगत सिंह साहब चले गए फांसी टूट गए भले ही आज उनकी नोट और फोटो नहीं है मगर हिंदुस्तान का भारत और पाकिस्तान का शायद कोई ऐसा क्ले हुआ जा जहाँ पे उसकी फ़ोटो नहीं होगी hmm. गुरु गोविंद साहब गुरु गोविंद साहब को जब उसने आ, जिसने औरंगजेब ने जब वो किया ना उनका बच्चों को और उनको सरकलम किया और ये सब किया तो एक दिन मुझे बात याद है जब मैं लाल किला इसके पास जा रहा था जो मुझे मैं खुद बना था तो वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह अजय जयकारा बोल रहा था जैसे बात कर रहे थे दो की रेसलिंग की या कैसे मेडल्स आप क्या फ्यूचर देखते हो क्योंकि एक थाट रहता है मेरे माइंड में कि क्रिकेट जैसा स्पोर्ट को जैसे बहुत अटेंशन मिलती है धर्म की तरह है इंडिया में तो क्या रेसलिंग कबड्डी इनको क्यों उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही कैसे इनको आगे लाया जा सकता है Uh, आजकल वैसे मा, माहौल चेंज हो गया आजकल mm -hmm. इंडिविजुअल स्टार भी हैं जैसे नीरज ने मेडल जीता mm -hmm. तो हम सब जानते हैं इवन ओलंपिक में जैसे जो लास्ट ओलंपिक था उसमें मीरा भाई ने बजरंग ने रवि ने इन सब ने मेडल जीते उनको हम जानते ओकी टीम ने जीता उनको हम जानते हैं तो आजकल इंडिविजुअल स्टार भी आ गए हैं मगर वो क्या है कि क्रिकेट बहुत पुराना है पहले क्या होता था कि अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेजों ने चला अंग्रेज़ गुलाम थे वो छोड़ मारते रहते थे हमारे वाले से बाल उठा उठा लेते थे तो वो है ना हमारी रगों में बैठ गया खून में बैठ गया जो वो गेम ऐसा हो गया कि अब मैंने अपने खेत में देखा मैं खेत में वैसे गांव में गया हुआ था एक जो कभी स्कूल में नहीं गया ना वो ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन की है ना इंग्लिसी कमेंट्री मुझे बता रहा था <laughs> कि अब ये ये गली है ये ये चीज़ है तो मैं हैरान था कि इतना जुनून इस खेल के लिए ना तो इस खेल को पीछे कैसे हो सकता है ये <laughs> यहाँ पे <laughs> तो क्या है कि क्रिकेट का एक फाउंडेशन बहुत बोस्ट्रॉन था फिर डालमिया साहब आई उसने चेंज किया फिर ऐसे धीरे धीरे हो गई बाकी अब आ रहे हैं अब थोड़े से और समझदार इंसान आएंगे ना जैसे आ, सुशील ने क्या है कि स्पोर्ट्स को रेसलिंग को ज़िंदा किया था और जब उनके 2008 हज़ार में मेडल जीता था तो आए थे और इस रेसलिंग को फिर अखाड़े से फाइव स्टार में लेके गया था हुँ। जब हुँ। मैं शो करने लग गया सारी चीज़ करने लग गया और सब हो गया वो लोग कोई पहचान दे दे क्या है क्या हो गई वो रेसलर अभी जो बिग बॉस में आया जो उस डांस के शो में आया जो उसमें आया आज भी तकरीबन वो ये कहते जिनको क्योंकि वो उनको उतना इंटरेस्ट होता है एक क्रिकेट के गेम बहुत होते हैं ब्रॉडकास्टर का बड़ा है उसका पीरियड बड़ा है उसका टाइम बड़ा है तो चलता रहता है बाकी थोड़ा सा कम है मगर अभी इंडिविजुअली सब स्टार हो रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि जो भी किसी चीज़ का एम्बेसडर वो थोड़ी होता है कि आप वो कहते हैं एम्बेसडर हर वो इंसान है जो स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है उसको एक सही तरीके से प्रमोट करेंगे तो वो भी आगे आएंगे वो भी देखेंगे बाकी एक अखबार वाले से मैंने पूछा कि यार आप इनका पेज भर देते हो आप हमारा इतना लिखते हो बोला नहीं आप गलत कह रहे हो जो पब्लिक जो खबर पढ़ना चाहती है हम वो लिखते हैं तो बोला कि अगर आप उसकी मैंटलिटी चेंज कर दो तो हो जाएगा मगर अब चेंज हो गया है अब बाकी स्पोर्ट्स को भी अटेंशन है सब जानते कि ये रेसलर कौन है वो बॉक्सर कौन है या वो वेट लिफ्टर कौन है तो अब अब सर्टल घूम गया है तो धीरे धीरे टाइम सही है और हम कोशिश करेंगे अब देखो मैं पिछले छः सात साल बाद प्रोफेशनल रेस्लिंग वापसी कर रहा हूँ अब जिस दिन मैच खेलूंगा उस दिन मुझे पता पचास करेंगे ये उम्र थोड़ी होती है ये थोड़ी होता है ये सही ये गलत ये असली नकली मगर लाखों करोड़ों बच्चे इंस्पायर होंगे कि जब मैं खेल सकता हूँ भैया तो इस उम्र में तो वो भी कर सकते हैं वो भी खेल सकते हैं आपका क्या कारण है वापसी का क्यों सोच रहे हो <coughs> मैं वापसी का क्या था कि एक रेसलिंग ऐसा है कि पहलवान का पहले तो अर्थ बताता हूँ माने पहलवान प्रथम आवान माने हर चीज़ में जो इंसान शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अनुशासन रूप से प्रथम है वो पहलवान होता है hmm. मतलब फिजिकली मैंने सोचा कि ढेर <laughs> सारी चीजें देखी कुश्ती रेसलिंग एक जेंटलमैन आ खेल है अब कुछ इक्का दुक्का कुछ थोड़े इंसिडेंट ऐसे हो गए कि कई मुझे ही बोलते थे कि भैया ये सब जैसे कई फिल्मों ने की इमेज बनाई जैसे खोसला घोसला था बाकी और था दो पहलवानों बुला लाओ ये कर दो कर दो तो मैं यही चाहता हूं कि मैं जब खेलूंगा कि भैया जेंटल मै ना गेम था है और रहेगा हुँ, हुँ. तो इसीलिए मैं वापसी कर रहा हूं हार जीती मैटर नहीं करती कि कौन हारे कौन जीते कौन क्या करे कौन नहीं करे जब मैं खेलूंगा वो पूरे जब वर्ल्ड वाइड लाइव होगा जो बच्चा देखेगा आजकल सोशल मीडिया ज़माना है।, है, है पहले हमें भी नहीं पता था सोशल मीडिया के कि क्या, क्या होता है क्या नहीं होता है अब आजकल भले ही वो टी वी उस पर ना देखे तो सोशल मीडिया पर देखेंगे तो फिर ये फिर से इस गेम के लिए मेरा यहाँ आने का मतलब यही है कि अब बच्चे कहें कि भैया उनको जैसे सचिन बनना विराट कोहली बनना या उसमें जाना है इसमें जाना तो कहेंगे मुझे रेसलर बनना है रेसलिंग में जाना है फिर से इसको करें और ये इतना ख़ूबसूरत खेल है कि इसमें कोई भी सिखाने के पैसे नहीं लेता जूनियर सीनियर की इज्जत करते हैं तो गलतियाँ तो हम भी करते हैं हमने बहुत गलतियाँ की आज भी गलतियाँ करते हैं मगर क्या है कि टाइम रह जाता तो भैया ठीक है उसकी माफ़ी मांग लो या चीज़ें कर लो अब मुझे, मुझे मौका मिल रहा है अब मेरी फिल्म आ रही है तो से रिक्वेस्ट की मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैंने फ़िल्म की थी बहुत खूबसूरत उड़ान ज़िंदगी की क्योंकि हमारे सी साहब ने बोला यार यहाँ पर बदमाशी बहुत चलती है या गाने नशे के कर रहे हैं आपको कुछ यूथ के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए कब आ रही है आपकी मूवी मैंने गुजारी रिक्वेस्ट किया था कि वो कि भैया अब इसको आप मार्च अप्रैल में रिलीज़ करो उसका फर्स्ट लुक तो मैंने शेयर किया था हमने तो भी कह रहे थे या वो किसी ओ टी से डील करेंगे प्रोड्यूसर या वो थिएटर में रिलीज़ करेंगे वो उनके ऊपर है बाकी फिल्म बहुत खूबसूरत है अभी हम रेसलिंग के कम की बात कर रहे थे तो अभी इस इस वक्त जो रेस्लिंग में प्रोटेस्ट चल रहा है इसके बारे में आपका क्या थाट है देखो जो मैंने पहले ही बोला जैसे रेस्लिंग में जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये सारे छोटे बहन भाई हैं जब मैं मैचोर में एक्टिव था तो छोटे थे और मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर था एक टाइम पे 2014-15 में तो मैंने ब्रजभूषण जी के साथ भी काम किया तो अब मैं मेरे एंगल से देखता हूँ तो दोनों दोनों मतलब मेरे साथ मतलब दोनों ठीक थे मगर जब मोल स्टेशन वाला ये सब देखता हूँ जुडिशरी में है वो जो सही फ़ैसला देगा मगर मैं यही कह सकता हूँ कि कोई गलत नहीं है टाइम का वो होता है मगर मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से सब कुछ ख़त्म हो जाए ताकि रेसलिंग फिर से एक ये सब आए क्योंकि इनकी बहुत उम्र है बहुत टाइम है अभी सबके पास ये खेलें देश के लिए फिर सम्मान जीतें फिर सारी चीज़ें हों और जैसे आ, कोई भी कुछ करता है तो चाहे वो प्रोटेस्ट है या बाकी चीज़ें हैं दूसरी चीज़ें है, तो इंसान परेशान होता है कई बार तब करता है कई बार दूसरे वाले को लगता है कि मैं ठीक हूँ उनको लगता है कि मैं ठीक हूँ और अभी फ़िलहाल मैं इन सब से थोड़ा दूर हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ तो मुझे एक्चुअली सच्चाई नहीं पता कि कौन कितना सही है गलत है मगर मैं यही उम्मीद करूँगा कि इनजस्टिस बिल्कुल ना हो बिल्कुल सही मिले और जब कोई भी बैठा होता ना तो तीसरा बाहर का यानी नेतावेता कोई आ के अपनी रोटियाँ सेक लेते हो वो वो अपनी राजनीति कर जाते हैं तो मैंने वही गुजारिश किया था सबसे कि भैया ये मैटर शांत हो जाए ये नॉर्मली हो ताकि ये सब इंस्पिरेशन है नए बच्चे भी इनसे सीखें और आगे जाएँ वो सब करें और मैं तो एक बात सोचता हूँ हमेशा सबको एक बात बोलता हूँ कि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी देश तो हमेशा रहेगा ना पहला माँ तो मतलब धरती माह है देश हमारा बिल्कुल तो वही चीज़ होना चाहिए जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो एक चीज़ मैंने देखी थी कि जब आप एक्टिंग में गए या शोज़ करें तो शायद उससे पहले आप कम्युनिकेशन में मानते थे कि इतने स्ट्रांग नहीं और आप, आपने अपनी कम्युनिकेशन पे काम किया ऐसा था कुछ मैं ढंग से बोल नहीं सकता था क्योंकि जब अर्थाइटिस मुझे हुआ था ना एक वो स्टेज थी कि मेरे टंग से भी एक राल टपकती थी कुछ वो तो मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की अब भी अगर मैं चार पाँच दिन अगर मैं ढंग से नहीं पढ़ूँ या सब नहीं करूँ तो अब भी मैं मतलब ऐसा लगता है कि मैं कहीं कही लेखूँ अब बहुत बिजी हूँ जैसे सुबह से रात तक तो कम कर पाता हूँ तो पहले ही बोलते थे मुझे <coughs> बड़े बड़े रीनाउंड कास्टिंग डायरेक्टर कई का यार इसके तो यार आवाज़ ख़राब है ये सब है अब मैंने जो मेरी कमज़ोरी थी ना मैंने उसी को ताकत बना लिया अब मुझे रिक्वेस्ट करते यार एक सेशन तो कर दो यार एक चीज़ें तो कर दो तो उसके लिए मेहनत करता है यार आवाज़ देनी होती है पहले मैं सोचता था कि बच्चन साहब हैं बच्चन साहब की मैं कई बार सुनता था कि वो करें अब दो तीन साल से मैं और बच्चन साहब एक ब्रांड के ब्रांड अम्बेस्डर हैं या उससे उससे पहले भी एक ब्रांड के साथ जुड़े थे उसके भी ब्रांड एम्बेसडर थे कुछ कोइंसिडेंट ऐसे ऐसा, ऐसा मतलब ऐसा बन रहा था तो क्या है कि मेहनत से हर चीज़ आप कर सकते हो क्या मेहनत करी अपनी कम्युनिकेशन पर मैंने उसके लिए पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं मैं इंग्लिश पढ़ने लग हिंदी पढ़ने लग गया फिर मैं पेंसिल रख के पढ़ने लग गया कि जिससे मेरी ये आवाज़ और क्लियर हो जाए फिर मैंने एक जो आपका टी टी आप खेलते हो ना किसी ने मुझे सलाह दिया मैं इसकी बोल रख के पढ़ने लग गया पाँच पाँच मिनट भले ही आवाज़ कम निकले मगर आवाज़ को उठाने के लिए आप मतलब आवाज़ मेरी साफ़ हो जाए क्योंकि मैं पहले इतना सही आवाज़ नहीं थी इतना साफ नहीं था इतना स्पष्ट नहीं था है है। फिर पायल जी ने भी मुझे बहुत तो किया जब भी हम बोलते हैं ना हम हमारे से नोट से हम क्या आगे हम फास्ट बहुत बोलते हैं शब्दों खा जाते हैं कमी वही थी फिर उन्होंने भी मुझे बोला कि भाई आप फास्ट बोल रहे हो ये सब है कम बात करो ये आराम से बोलो ये चीज़ें करो तो फिर वो धीरे धीरे सीखते सीखते फिर एक बार श्याम बेरिंगल जी ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही एक तीन साल का बच्चा छोड़ दिया बोला अपनी सारी बातें इसको समझाओ तुम तो उस बच्चे से ऐसे बात कर रहा था आप यहाँ से खड़े हो जाओ तो मतलब समझ रहे हो हाँ। तो श्याम बरिंगल साहब बोले कि अब आपको ज़िंदगी में ऐसे ही बात करनी तो मतलब ये ओवर द पीरियड ये सब सीखा देखा और चलता रहा बाकी क्या है कि जब मैं मुझे भी नहीं पता मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना मैं इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ता एक आधी बार जैसे आपको या किसी को मैं सुन लिया मगर वो उसका उसकी मेर है जब मैं बोलता हूँ ना तो मैं दिल से बोलता हूँ वो चीज़ फील करता हूँ तो फिर वो कहीं भी जाता हूँ वो ठीक हो जाता है ये आपकी बहुत खूबसूरत बात है कि आप दिल से बोलते हो और ये हमेशा नज़र आता है जब आपके बारे में मैं वीडियोज़ देख रहा था तब भी और अब आप सामने बैठे हो तब भी ये चीज बहुत ही बहुत ही खूबसूरत है हर अचीवर की जो जिंदगी है ना वो अपने आप में एक किताब है जिसको हम जितनी बार पढ़ें जितना पढ़ें उतना सीखने को मिलता है ये एपिसोड एक पार्ट है उस इंट्रैक्शन का जो हमारी संग्राम जी के साथ हुई थी अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे आपको माइक्स एंड माइंड चैनल का लिंक मिल जाएगा उस एपिसोड में जो कंप्लीट वीडियो है संग्राम जी ने कई और एक्सपीरियंसिस शेयर करे कई और बातें बताई उन्होंने अपने फिटनेस के बारे में कुछ टिप्स दी अपना रूटीन बताया अपनी डाइट बताई आपको इस एपिसोड में से क्या सीखने को मिला वो भी नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना और किन गेस्ट को आप इस एपिसोड में देखना चाहते हो वो भी बताना मेरे और गुंजन की माइक्स एंड माइंड में यही कोशिश है कि हम ना ये नहीं चाहते कि आपके साथ कोई सेंसेशन कवर करें किसकी बीवी भागी किसकी लाइफ में क्या अफेयर हुआ हम चाहते हैं रियल वैल्यू प्योर वैल्यू आपको मिले जिन भी लोगों ने लाइफ में कुछ अचीव किया है कंप्लिश किया है उनकी स्टोरी उनकी नॉलेज उनकी एक्सपर्टीज से चीजें निकाल कर आप तक पहुंचाई जाए तो जो प्यार आपने इस चैनल को दिया माइक्स एंड माइंड चैनल को भी वो प्यार देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लिंक है क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना मैं और गुंजन इसी तरह से आपके सफर में हम सफर बन के साथ निभाते रहेंगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक खुश रहिए खुशियां बांटते रहिए आई लव यू ऑल